रतन टाटा का 86 वर्ष की उम्र में निधन। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक अंतिम दर्शन होंगे। राजकीय सम्मान से होगी विदाई। डीए अभ्यर्थियों ने ली जल समाधि, कहा सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करे, हमें सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति दे। शिवढहरिया बोले, बीजेपी एक सांप्रदायिक पार्टी है, कहा छत्तीसगढ़िया लोगों को भाजपा कर रही प्रताड़ित, ये लोग जातिगत द्वेष रखते हैं। पतला व सुगंधित बनाकर 60 रुपए किलो बेच रहे चावल, सरकारी चावल को मिलिंग कर सामान्य बनाने का कारोबार, एफआईआर हुआ दर्ज। बिलासपुर में 4 पंचायत सचिव हुए निलंबित, चुनाव की ट्रेनिंग से गायब और ओबीसी सर्वे में रुचि नहीं पर एक्शन हुआ, वित्तीय अनियमितता के भी लगे थे आरोप। शक्ति जिले में तेज रफ्तार पिकअप वैन बड़ी नहर में जा गिरी, पिकअप वाहन में 2 बच्चे सहित 20 लोग थे सवार, पुलिस लापता बच्चों की तलाश कर रही। सोमवार मंगलवार दरमियानी रात का मामला, गरबा से लौट रही एमबीए छात्रा को आधी रात की अगवा, हत्या की कोशिश, ऑटो से भागी, 24 घंटे में आरोपी हुआ गिरफ्तार। मुंगेली पालिका अध्यक्ष की बर्खास्तगी का आदेश निरस्त, हाईकोर्ट बोला मामूली अनियमितताओं में ऐसी शक्ति का प्रयोग गलत, जनप्रतिनिधि के जीवन पर लगता है कलंक। जनवरी 2025 के बाद जनगणना शुरू हो सकेगी, सीमाएं सील करने की रोक हटी, 31 दिसंबर तक राज्य बॉर्डर बदल सकते हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ बोले, देश की पूरी निष्ठा से सेवा की, इतिहास मेरे कार्यकाल का आकलन कैसे करेगा, इस बात की रहती है चिंता, 10 नवंबर को रिटायर होंगे चंद्रचूड़।